नमस्कार, आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। जगदलपुर शहर से लगे लामनी पार्क इलाके में कुछ समय पहले हमारी नजर सड़क के दाईं ओर गई और जो दृश्य हमने देखा उसने हमें दुखी किया। जिन शहरवासियों को पाइन के इन वृक्षों से लगाव है उन्हें तो ये दृश्य दुखी करेगा ही। आखिर क्यों, आप भी देख लीजिए। कुछ वक्त पहले वन विभाग ने इन पेड़ों की कटाई शुरू की और एक एक कर हजारों पाइन के वृक्ष कटते चले गए। बस्तर के अलग अलग इलाकों में रोपे गए ये पेड़ आखिर क्यों काटे गए और अब आगे क्या होगा? क्या अब बस्तर में पाइन के ये वृक्ष देखने को नहीं मिलेंगे? इन सब बातों को जानने से पहले आइए पाइन के वृक्षों के बारे में जाने कुछ खास बातें। इस पाइन के वृक्ष से जुड़ी हुई कई खास बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, आप इसे ध्यान से सुने ताकि आप ये जान सकें कि इस वृक्ष की क्या विशेषता है। सबसे पहली बात कि ये वृक्ष आज से 40 साल पहले बस्तर में लगाए गए थे और ये जो वृक्ष होता है इसे चीड़ का वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी जो लंबाई होती है 30 से 40 फुट से लेकर के 80 फीट तक इसकी लंबाई होती है और ये वृक्ष औषधि गुणों से भी भरपूर होता है। इससे कई औषधियां बनाई जाती हैं, बात चाहे सांस की बीमारी की हो, मुंह से जुड़ी हुई कोई समस्या हो, बवासीर की समस्या हो, पसली की कोई समस्या हो और साथ ही साथ और भी कई रोगों में इस वृक्ष से प्रोसेस करके औषधियां बनाई जाती हैं। ये जो पाइन के वृक्ष आप देख रहे हैं ये लगभग ये समझ के चलिए कि इसकी उम्र जो हमें ज्ञात हुई है 100 से 300 साल से लेकर कई स्थानों पर 500 साल तक भी ये वृक्ष ऐसे ही खड़े रहते हैं। और इसकी यदि और भी हम विशेषताओं की बात करें तो इसी पेड़ से तारपीन के तेल तैयार किए जाते हैं और आप जो अभी ज़मीन पर देख रहे हैं ये जो रेशेदार इसकी पत्तियां सूखी हुई गिरी हुई हैं इन्हें जलाकर कई लोग मच्छर भगाने का काम भी करते हैं। इन लकड़ियों का प्रयोग पूजा पाठ में भी किया जाता है। इन लकड़ियों की एक विशेषता ये भी होती है कि ये सूखी हो या गीली हो ये अन्य वृक्षों की लकड़ियों की अपेक्षा जल्द से जल्द जल जाती हैं। कई लोगों के मन में ये भी सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि यदि हम आप इस पेड़ को लगाना चाहें तो क्या ये संभव है और यदि इसे लगाना हो तो किस तरह से लगाया जा सकते हैं। देखिए, जैसा कि हमने बताया कि आज से 40-50 साल पहले इन वृक्षों को यहाँ रोपा गया था और उस समय का वातावरण, आज से 40-50 साल पहले जो बस्तर का वातावरण था वो इसके अनुकूल था, इसलिए ये पौधे उस समय पनप सके। लेकिन आज जलवायु और वातावरण इतना बदल चुका है, यहाँ का तापमान इतना बढ़ चुका है कि अब यहाँ पर इन वृक्षों को फिर से लगाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बताएं कि जहाँ पर ये वृक्ष लगते हैं वहाँ किस तरह से लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है पाइन के वृक्ष का ये फल आप इसे कह सकते हैं और इसके अंदर ही इन वृक्षों के बीज होते हैं। जब हवाएं चलती हैं तो अपने आप ये जो बीज हैं इधर उधर बिखर जाते हैं और ये जो पाइन के जो पौधे हैं अपने आप उगने लगते हैं। ये ठंडे प्रदेशों में ज़्यादातर होते हैं और उत्तरी गोलार्ध का जो इलाका है वहाँ पर पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। चाहे उत्तरी यूरोप की बात की जाए, उत्तरी अमेरिका की बात की जाए, उत्तरी अफ्रीका की बात की जाए और यदि एशिया की बात की जाए तो भारत और बर्मा जावा देश में इसे आप पनपते हुए देख सकते हैं, इन वृक्षों को देख सकते हैं। इस पेड़ से निकलने वाले गोंद को गंध बिरोजा कहते हैं। इस पेड़ से तारपीन का तेल निकाला जाता है। बस्तर को व्यवसाय के दृष्टि में सुदृढ़ बनाने के हिसाब से वन विकास निगम ने 80 के दौर में बस्तर में करीब 60,000 एकड़ वन भूमि में कैरेबियन पाइन लगाने की योजना तैयार की थी। उसके अंतर्गत जो परंपरागत साल के पेड़ खड़े हैं उनको जड़ सहित उखाड़ कर पाइन लगाने की योजना शुरू की गई थी।
और ये योजना जगदलपुर के अलावा माझकोट और बारसूर वन परिक्षेत्र में करने की योजना थी, लेकिन लोगों का जन आक्रोश उपजा कि हमारा जो साल का पेड़ है, हमारा ये प्राकृतिक पेड़ है जिसको हम लोग कल्प वृक्ष मानते हैं, उस पेड़ से हमको हर प्रकार का वनोपज मिलता है, उसको काट के पाइन लगा रहे से आदिवासियों को क्या फ़ायदा होगा। तो लोगों को ये भ्रमित किया गया कि बस्तर में पाइन का पेड़ लगा रहे हैं, हर 5 साल में इसकी कटाई होगी, बस्तर में कागज़ कारखाना लगेगा, लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। इसके साथ ही बस्तर वासियों को चिलगोजा नाम का जो मेवा होता है वो भी खाने को मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जन 1980-82 के दौरान इंदिरा गांधी ने इस योजना का खुद विरोध किया कि परंपरागत पेड़ों को ना काटा जाए, इस कारण पाइन योजना ठप हो गई। वन विभाग ने वहाँ पेड़ों को काटना शुरू किया है और बाकायदा उसको कागज़ कारखाना जितने भी हैं, बम्बई के है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, रायपुर है, आपका मद्रास है, बेंगलोर है, वहाँ के करीब 500 ट्रकों से ज़्यादा यहाँ लगाया गया था लकड़ी की सप्लाई के लिए, जो अभी भी चल रहा है। जब इन पेड़ों की काफी कटाई हुई और प्रकृति प्रेमियों तक यह बात पहुंची तो उन्होंने इसका विरोध किया और CCF को ज्ञापन देने पहुंच गए और CCF से इसे धरोहर के रूप में सुरक्षित संरक्षित रखने की बात की, जिसके बाद इस पेड़ की कटाई पर विराम लग गया। फॉरेस्ट विभाग की अपनी एक नीति है रोपाई और कटाई, क्योंकि पाइंस जो है बस्तर में 1980 के आसपास लगा था और दुर्भाग्य है कि बस्तर को हमेशा से एक प्रयोगशाला की तरह में अफसरों ने या नेताओं ने प्रयोग किया है, जो हमेशा दुखदायी परिणाम हम लोगों को मिला है। जब पाइंस लगाने का प्रोजेक्ट बना था बस्तर में, तब भी यहाँ पूरे साल के पेड़ों को काट कर लगाया गया था, जिसका काफ़ी बड़े स्तर पर विरोध किया गया था, तब जाकर रुका। चूँकि उस किसी जबलपुर वाली कंपनी से इनका टाई अप था, हर 5 साल 10 साल में उसकी कटाई करना था और जिस जहाँ भी फैक्ट्री में सप्लाई होना था, चूँकि वो किसी वजह से जो हम लोगों को जानकारी मिली कि उसमें इन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, तो वो पेड़ बढ़ते बढ़ते अब लगभग 40 साल होने को आए हैं, जिसमें लगभग इन्होंने बृहद तौर पे पेड़ों की कटाई की है, चाहे वो आपका कुरंदी का एरिया हो और विभिन्न जो बस्तर में जहाँ जहाँ इन्होंने लगाया था, अभी भी आप डिपो में देखेंगे तो बड़े तादाद में जो है पाइंस की बल्लियाँ रखी हुई हैं। लेकिन लामनी के आसपास, चूँकि लामनी हमारे जगदलपुर शहर के एकदम आसपास है और वो पाइंस के नाम से हमारी अपनी एक पहचान है, जिसको लेकर हम पर्यावरण प्रेमी इंद्रावती के सदस्य, ग्राम पंचायत के लोग, हम सारे लोगों ने CCF साहब से रिक्वेस्ट किया और लिखित में ज्ञापन दिया और हमने उसको रुकवाने की कोशिश की कि लामनी के आसपास के जो पाइंस है उसे रोके जाए। चूँकि हम आपको बताना चाहते हैं कि बस्तर में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है और तापमान बढ़ने की वजह ये है कि बेतरतीबी से जो पेड़ों की कटाई हो रही है और उस तादाद में पेड़ों को लगाया नहीं जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले साल भी जितने जगह पाइंस कटे थे वहाँ कहीं भी एक भी पौधे वापस उसमें पत्ते नहीं निकले। उसकी वजह ये है कि 40 साल पहले हमारे बस्तर का जो तापमान था वो तापमान लो था, उस तापमान में हमारे यहाँ पाइंस हो सकते थे, अब ये पाइंस होंगे नहीं। और लोगों के लिए भी आश्चर्य का विषय बनता है और कौतूहल बनता है कि बस्तर जैसी जगह में भी पाइंस, वो भी जगदलपुर में, क्योंकि पाइंस जो है या तो आपको वो उत्तराखंड में, ये केरवियाई है ये एक्चुअल वहाँ का, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में, हमारे यहाँ उत्तराखंड में, हमारे यहाँ हिमाचल में, इन पहाड़ों में ये पाइंस होता है। और बस्तर में होता था मतलब हमारे उस समय में हमारे यहाँ तापमान बहुत कम था, पेड़ हमारे पास इफरात थे और पेड़ें लगातार कटते जा रहे। तो हम लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया सर से कि जो हमारे लामनी के आसपास का जो पाइंस है उसे कम से कम धरोहर के रूप में सुरक्षित रखा जाए, जिससे आने वाले समय में के जो वानिकी के छात्र हैं वो भी पढ़ सकेंगे और हम अपनी पीढ़ियों को भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ का टेम्परेचर इतना शानदार था और इस टेम्परेचर को बरकरार रखने की आवश्यकता है। पेड़ पौधों की कटाई से ज़्यादा उनको सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। जलवायु परिवर्तन को लेकर, पेड़ पौधे को बचाने को लेकर सिर्फ भाषणों में, कविताओं में, नेशनल इंटरनेशनल बैठकों से ये संभव नहीं है। हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित तब रख सकते हैं जहाँ हम रहते हैं, वहाँ के आसपास हमारे पर्यावरण की स्थिति क्या है, हमारे पेड़ों की स्थिति क्या है।
कमर्शियल पर्पज से फॉरेस्ट का अपनी एक पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत यदि वो काटते भी हैं तो उसको लेकर जिस प्रकार से हम लोगों ने सीसीएफ साहब से मांग की और सीसीएफ साहब ने भी इस बात को बोला है कि हम धरोहर को रूप में लेंगे। प्रकृति प्रेमी और वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कश्यप कहते हैं कि शहर से लगे लामनी जंगल में जिन पाइन के वृक्षों की कटाई हुई है और जो स्थान रिक्त हुआ है, वहाँ पर दशहरे के दौरान काटे जाने वाले वृक्षों की क्षतिपूर्ति की जा सकती है, साथ ही इस स्थान को फिर से हरा भरा किया जा सकता है। मेरा मानना है कि बस्तर दशहरा के लिए हर साल कम से कम 240 पेड़ काटे जाते हैं। पिछले 2-3 वर्षों से एक तो बस्तर का जो दशहरा उद्यान है, जिसको हम लोग कुमड़ाकोट जंगल बोलते हैं, वहाँ पेड़ लगाया गया था 2020 में, फिर 21 में लगाया गया अपना इधर बोधा मुंडा नाम का गांव है मार्केल के पास, वहाँ लगाया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि शहर से इतना दूर लगाने के बजाय लामनी में जो पेड़ कभी काटे गए, पाइन के पेड़ काटे गए, वहाँ बस्तर दशहरा का जो क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण है वो किया जाना चाहिए और उस इलाके को पूरा स्मृति वन के रूप में विकसित कर दिया जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि लामनी पार्क के साथ साथ वो सामने वाला जो वन क्षेत्र है वो एक नए सिरे से विकसित होगा। हमारे साथ बड़ी एक पीड़ा है और हम आपके माध्यम से शासन प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि जब भी विकास का कोई भी प्रोजेक्ट या योजना बनता है तो उसमें सबसे पहले पेड़ों को ही काटा जाता है, जबकि अब आधुनिक युग है, हम पेड़ों को बचाकर उसको भी हम सर्च कर सकते हैं और उनको बचाकर भी हम विकास कर सकते हैं। हम लोग विकास का विरोध नहीं करना चाहते, लेकिन पेड़ कभी विकास के लिए बाधक नहीं है। आप पेड़ों को सुरक्षित करके भी, आप मुंबई जैसी जगह पर देख लीजिए जो कितने पुराने वहाँ पीपल हैं, उसको बचा कर भी आपने उसको रखा। आप हमारे शहर के उदाहरण ले लीजिए, आज से लगभग 18-19 साल पहले जब चौड़ीकरण की बात आई थी तो हमारे जितने भी पुराने पेड़ थे उन सारे पेड़ों को काट दिया गया, लेकिन अतिक्रमण जो थे वो एज इट इज़ हैं। तो ये किस प्रकार का विकास किया जा रहा है शहर में? अभी आप पुराना रिपोर्ट निकाल के देखते हैं तो 90 के दशक में जो हमारे यहाँ 34-35 से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाता था, उसको लेकर हमने 2008 तक का निकाला था तो 44 तक गया है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ जो अवैज्ञानिक तरीके से विकास किया जा रहा है उसको लेकर नई नई बीमारियों से हम जूझ रहे हैं, और पैराफोना को भी लेकर एक बड़ी पीड़ा तो है हमारे क्षेत्र में, जो हमारी पहचान है वनों से लेकर। और हमें ऐसा लगता है कि आधुनिक पाषाण युग में भी जब राजा महाराजा ने जगदलपुर की बसाहट की थी तो बैजनाथ पंडा का भी हम कहीं कहीं पढ़ते हैं कि शहर में उन्होंने बहुत तरीके से एक प्री प्लानिंग पेड़ पौधों को भी लगाया था। अभी हमारे यहाँ जो विकास की नीति बन रही है नगर निगम के क्षेत्र में, खासतौर पर मैं बोलना चाहूँगा, वहाँ पर कहीं पर भी पेड़ों के लिए कोई स्थान नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उल्टा पूरा कॉन्क्रीट किया जा रहा है। और पूरे जगदलपुर शहर में जो पानी का जो सोर्स है उसके लिए आपने शॉर्टकट तरीका ये अपनाया है कि बोर से अब आप घरों के बीच में पानी दे रहे हैं, और इसमें सरकार के पास खुद का रिपोर्ट है कि हर साल बोरिंग का जो डाउन है वो नीचे जाता जा रहा, जल स्तर नीचे जाता जा रहा है। तो इन सारे चीज़ों के लिए पेड़ बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास जो पेड़ जितने थे उन्हें सुरक्षित किया जाए, और जहाँ जहाँ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पेड़ों के लिए भी स्थान बनाया जाए। अब आगे देखना यह है कि ये वृक्ष जिनकी कटाई नहीं हुई है, जिन्हें छोड़ दिया गया है, कब तक प्रकृति से जुड़े रहेंगे, क्योंकि एक बार जब यह समाप्त हो जाएंगे तो उसके बाद दोबारा इसे यहाँ पनपाना संभव नहीं होगा, क्योंकि 40-50 साल पहले बस्तर का पर्यावरण कुछ और था और अब कुछ और है। यहाँ तापमान में काफी वृद्धि हुई है और ऐसे बढ़े हुए तापमानी इलाकों में यह पौधा नहीं पनप सकता। बस्तर के प्रकृति प्रेमी हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं, उनके अथक प्रयास से आखिरकार इसकी कटाई रोक दी गई है और इसे धरोहर के रूप में संरक्षित रखने की बात कही गई है। निश्चित रूप से ऐसे प्रयास करते रहने होंगे जिससे विकास तो हो, लेकिन जहाँ तक संभव हो कम से कम वृक्षों की कटाई ना हो, क्योंकि अगर ये नहीं है तो हमारा जीवन भी नहीं है। टास्क न्यूज़ चैनल को यूं ही देखते रहिए, अपने कमेंट्स हमें बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम ऐसी ही खबरें आपके सामने लेकर आते रहें और आप इसे देखते रह सकें। नमस्कार।